नमस्कार। आज की हमारी कहानी है नमक का दरोगा, और यह कहानी लिखी है श्रीमान मुंशी प्रेमचंद जी ने। जब नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था, तो नमक का व्यापार चोरी छिपे होने लग गया था, और इस पर प्रबंध जो किया गया था कि बंधन लगा दिया गया था, और इसके रिजल्ट बहुत बुरे निकले, क्योंकि नमक पर बंधन लगाने के कारण सरकारी विभागों में कई प्रकार के छल प्रपंच शुरू हो गए थे। कुछ लोगों ने रिश्वत लेकर के अपना काम निकालना शुरू किया कर दिया था, कोई चालाकी से कानून को धोखा देने लग गया था, और इस कारण से इस विभाग में अधिकारियों की काफ़ी मौज हो गई थी। उन पर पैसा जो है वो बरसात की तरह बरसने लग गया था। रिश्वत की कमाई उन्हें काफ़ी अच्छी होने लगी थी, और यही कारण था कि लोग इन लोगों को बड़े सम्मान से देखते थे। लोग पटवारी का पद भी छोड़ करके इस विभाग में आने के लिए कोशिश करने लगे थे, यानी कि नमक का दरोगा यानी इंस्पेक्टर बनने के लिए इतना आकर्षण था लोगों में कि वकील तक की नौकरी छोड़ करके, वकालत तक के काम छोड़ के अंग्रेज़ों के राज में लोग ऐसा करने लगे थे कि वह नमक विभाग में आना चाहते थे। कुछ लोग फारसी के जानकार थे, जो फारसी की कथाएं पढ़कर भी अपने ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते थे, और उन्हें नौकरी पर रख लिया जाता था। नमक को भगवान की देन कहा गया है, और उसके निषेध का अर्थ है सरकार ने उसके निर्माण के लिए जन विरोधी कानून बना दिया था। उसके कारण से नमक बनाना जो था वो सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। यह था नमक कानून। नमक कानून क्या था, शायद आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था कि वह कितना नमक बनाएगी, और इसी कारण से चोरी, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ने लगे थे नमक के विभाग में। सरकारी अधिकारी जो थे वो ये कानून बनने के कारण बहुत खुश थे। क्यों खुश थे, क्योंकि उन्हें रिश्वत ऐंठने का एक अच्छा मौका मिल जाता था, और इस विभाग में नौकरी के साथ साथ ऊपरी कमाई का अच्छा अवसर उन्हें मिल जाता था। बंसीधर के जो पिताजी थे वो ये चाहते थे कि उनके बेटे को इसी विभाग में एक ऊँची नौकरी मिल जाए, तो वो कहते हैं, बेटे बंसीधर, तुम नौकरी प्राप्त करने चले हो तो मेरी एक सीख सुनते जाओ। नौकरी में ऊंचे या नीचे पद की ओर ख्याल मत करना, पद छोटा हो तो भी स्वीकार कर लेना, क्योंकि नौकरी तो पीर की मजार की तरह है, जिस पर भेंट, चढ़ावा, चादर आदि रोज चढ़ते ही रहते हैं, अर्थात रिश्वत का माल मिलता ही रहता है। अब तुम ईश्वर की तरफ नज़र रखना, यानी रिश्वत की तरफ नज़र रखना, बाकी किसी झंझट में मत पड़ना। यानी कि उसके पिताजी भी उसे राय दे रहे हैं कि वह बेईमानी का काम करे, रिश्वत ले, रिश्वतखोरी करे। वो कहते हैं कि वेतन से कभी गुजारा नहीं चलता है, वेतन तो जो होता है वह पूर्णिमा के चांद की तरह एक महीने में एक बार मिलता है, और घटते घटते समाप्त ही हो जाता है, लेकिन यह जो रिश्वत की कमाई है वो एक झरने के समान है जो कभी नहीं सूखता है, और उससे हमेशा हमारी प्यास बुझती रहती है, यानी रिश्वत तो हमेशा ही मिलती रहती है। वेतन को देने वाला मनुष्य है इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, लेकिन ऊपर की आमदनी तो ईश्वर की देन मानी जाती है। उनके यह विचार थे रिश्वत के बारे में। तो वो अपने पुत्र को राय देते हैं कि तुम काम के लिए आए हुए आदमी को देखना और मौके को भी पहचानना, मौका अच्छा हो, अमीर हो तो खूब सारी रिश्वत ले लेना, जिसे काम कराने की गर्ज हो तो कठोरता का बर्ताव करना, इससे तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा। कथन क्या है कि वंशीधर जो हैं अपने पुत्र को कमाऊ संतान बनाना चाहते थे, और वे भ्रष्टाचार की कमाई करने में उसे बहुत ही कुशल कर देना चाहते थे। पंडित अलोपी दीन जी को धन की महिमा पर बहुत विश्वास था। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं पंडित अलोपी दीन, और उन्हें भरोसा था कि रिश्वत देकर के वह कोई भी काम करवा सकते हैं, किसी से भी कोई काम करवा सकते हैं, और वे ये सोचते थे कि लक्ष्मी के आगे सभी झुक जाते हैं, और धन के बलबूते पर तो स्वर्ग में भी स्थान पा सकते हैं। पंडित अलोपी दीन सही अर्थों में लक्ष्मी के पुजारी थे, और उन्हें धन की शक्ति पर पूरा विश्वास था, और रिश्वत के बल पर उन्होंने बहुत सारे न्यायविद यानी वकील, न्यायाधीश वगैरह, जज वगैरह सभी को कभी ना कभी बिकते हुए देखा था।
माल के पकड़े जाने पर पंडित अलोपीदीन की प्रतिक्रिया विशेष नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी दरोगा रिश्वत लेकर के उन्हें छोड़ देगा। लेकिन उन्हें यहाँ पर दरोगा वंशीधर का व्यवहार बिल्कुल अलग लगा। अलग क्यों लगा? एक तरफ से उन्हें स्वाभाविक भी लगा, इसलिए वे हड़बड़ाए नहीं। उन्होंने सोचा कि वे अभी रिश्वत लेकर के मान जाएंगे। लेकिन जब वंशीधर ने रिश्वत नहीं ली, तब उन्हें काफ़ी गुस्सा आया। पंडित अलोपीदीन वंशीधर को बहुत बड़ा सम्मान और लोभ देकर के खुश करना चाहते थे। वे उसे सरकार कहकर पुकारते हैं। सरकार शब्द से उसे और भी अधिक महान बनाते हैं। आप इस घाट के देवता हैं, आपको दक्षिणा भेंट किए बिना हमारा काम कैसे चलेगा, वो कहते हैं। नमक को गैरकानूनी ढंग से ले जाना गलत था। अलोपीदीन ने रात के अंधेरे में यही भ्रष्ट आचरण किया था और इसी अपराध में वंशीधर ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वाहन जो थे उनमें हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में यह पहला ही अवसर था कि जब किसी ने ऐसी कठोर बात उनसे की हो। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे उसका साहस ही नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी भी नहीं देखा था। उन्हें नहीं पता था कि कोई उनके धन को ऐसे ठुकरा देगा। विचार किया, यह अभी उधर लड़का है, माया मोह के जाल में नहीं पड़ा है, अलहड़ है, झिझकता है, बाद में मान जाएगा। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहेब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या मिलेगा? हम किसी तरह आपसे अलग थोड़े हैं, आपसे बाहर थोड़े हैं। इस तरह से वो कह करके चाहते हैं कि वंशीधर उन्हें छोड़ दे और वह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें छोड़ा जाए। उन्होंने अपने नष्ट होने का हवाला भी दिया और इज्जत जो है उनकी मिट्टी में मिलने का खतरा जो था उससे भी अवगत करवाया। लेकिन वंशीधर की विचारहीन कठोरता और देवताओं में भी ना मिलने वाले त्याग को देख करके अलोपीदीन यहाँ पर खिंचने लग जाते हैं और अलोपीदीन रिश्वत के रूप में 20,000 रुपये की बड़ी राशि भी देने को तैयार हो जाते हैं और इतनी बड़ी रिश्वत को भी वो त्याग देते हैं। उस समय पर जब अंग्रेजों का समय था तो 20,000 की राशि काफ़ी बड़ी होती थी और वे निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि इससे ज़्यादा पैसे देने की मुझ में कोई हिम्मत नहीं है। यहाँ पर वंशीधर कहता है कि तुरंत अलोपीदीन को हथकड़ी लगाई जाए। दरोगा वंशीधर अपने कर्तव्य पर पूरी तरह से टिके रहते हैं और 1,000 रुपये की रिश्वत को ठुकरा देते हैं। एक और अलोपीदीन के द्वारा दी गई रिश्वत की शक्ति थी, दूसरी ओर वंशीधर के द्वारा जो रिश्वत ठुकरा दी गई थी उसकी प्रतिज्ञा थी। दोनों लोभ और धर्म में युद्ध छिड़ गया, संग्राम छिड़ गया। धन और रिश्वत की 1,000 रुपये वाली बहुत बड़ी सेना और वंशीधर का पर्वत के समान अचल होकर खड़ा हो जाना दोनों में ठन गई। पंडित अलोपीदीन की दीनता का मूल भाव क्या था कि वह उन्हें अपनी इज्जत खोने का डर लग रहा था। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी कि दुनिया सो भी जाती है तो लोग बातें करते रहते हैं, यानी दुनिया की जबान चलती रहती है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दी, यानी कि जब सब लोग सुबह उठे तो सबके मुंह पर एक ही बात थी कि पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि शहर में पंडित जी का बहुत नाम था, मान था, सम्मान था। लोग उन्हें बहुत ही सफल और इज्जतदार व्यक्ति मानते थे और जब नमक चोरी के सिलसिले में उन्हें पकड़ा गया तो सभी लोग भौचक्के रह गए और सारे शहर में हलचल मच गई कि क्या हुआ क्या हुआ। शहर के लोग जानना चाहते थे कि उन्हें क्यों हथकड़ी लगाई गई। अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। क्यों थे सिंह उस वन के? क्योंकि वहाँ पर सभी लोग रिश्वतखोरी करते थे और उन्हें विश्वास था कि रिश्वत लेकर के वह इजीली आराम से छूट जाएंगे। सभी लोगों को अचंभा हो रहा था कि इन्हें कैसे पकड़ लिया गया। हर मनुष्य उनसे सहानुभूति रखने लगा, प्रकट करने लगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रिश्वत के मैटर पे उनसे काम पड़ा हुआ था। जैसे ही हिरासत में बंदी
होकर के वो पहुंचे वहां। इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे सामने कुएं में डूबती हुई नारी का बिंब साकार होता है और पतोहू लक्ष्मी कोतवाल ये शब्द सब ग्रामीण अंचल से लिए गए हैं। खैर पैर की जूती जोड़ू न सही एक दूसरे आती, क्योंकि वहाँ पर सारे पर जवान लड़के की सुनकर सांप जो थे वह कह रहा है कि पत्नी तो फिर भी दूसरी आ जाती, क्योंकि उस समय पर पत्नी को पैर की जूती समझा जाता था, लेकिन जो उसका जवान लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया था जब उसकी उसे याद आती थी तो उसकी उसे बहुत तकलीफ होती थी, सांप लौटते थे और उसकी छाती जो है फटने को हो जाती थी और बहुत दुख से होता था। लेकिन उनका विवेक नष्ट हो गया है इसलिए पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। ने यह फैसला सुना तो जब किसान अपने पहले वाले सुख को याद करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। बाहर आए लेकिन जैसे ही वह अपने गाय पुत्र पत्नी बिटिया और पुत्र वधू के बारे में सोचता है, जब उनके हनन के बारे में सोचता है और उसे सब जो दुख भरी बातें याद आ जाती हैं, तो उसकी दृष्टि जो है सुनने में कहीं रुकी की रुकी रह जाती है, गढ़ी की गढ़ी रह जाती है और उसे एक एक करके अपने सारे कष्ट याद आने लग जाते हैं और वह सारी यादें जो है उसके लिए बहुत ही दुख देने वाली बन जाती है, दुखदायी बन जाती है। चितवन का यहाँ पर मीनिंग है दृष्टि, स्मृति यानी याद, तुरंत यानी शीघ्र ही की है। मैं इसके लिए चितवन की उपमा तीखी नोक से दी गई है और बहुत ही सुंदर उपमा बन पड़ी है। जरूरत नहीं थी, तुरंत शब्द का सौंदर्य बहुत ही करने के लिए अच्छा देखते ही बन पड़ा। फिर उनके घर आते हैं और किसान के हरे भरे खेत हैं, लहलाते खेत थे और उसका भरपूर घर द्वार था, बैल था, गाय थी, जवान बेटा और वह चाहते थे कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति याद उसे सारी आती है और वह याद दुख का कारण भी बन जाती है, क्योंकि सबब उसके सामने के सामने नष्ट हो चुके थे वह व्यक्ति, लेकिन एक बार उसकी आंखों में चमक सी भर जाती है जब उन्हें याद करता है। जब किसान अपने आप को लुटा पिटा पाता है तो उसकी दीनता और विवशता जो है उनकी सारी प्रॉपर्टी उसकी आंखें जो है चितवन शून्य में गड़ सी जाती है और वह एक अंधकार की गुफा जैसी दिखाई देने लग जाती है। वह अपने सुख भरे अतीत